पांच सूत्री मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे पंचायत साचीवाला स्वयंसेवक संघ के प्रदर्शनकारियों पर राजभवन के समक्ष पुलिस ने बल प्रयोग किया। बता दें कि पंचायत साचीवाला संघ अपने 7 सालों से बकाया वेतन सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर राजभवन के समक्ष बैठे, जहां से ये मुख्यमंत्री आवास घेराव करने निकले, जिस पर पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें रोका गया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों द्वारा पथराव किए जाने पर सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ा। नियमितीकरण और हम पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का नाम बदलकर पंचायत सचिवालय सहायक किया जाए, नहीं तो इस विषय में अगर सरकार हमसे मिलकर वार्ता करती है तो हम अपना अनिश्चितकालीन धरना खत्म कर देंगे, नहीं तो आने वाले समय में सरकार हमारी एकजुटता देखेगी। आलय स्वयंसेवक संघ अपनी मात्र 3 सूत्री मांगों के साथ आई है। उसमें पहला है कि हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री की एक प्रतिनिधिमंडल के द्वारा वार्ता किया जाए। दूसरा है कि हमारा जो प्रोत्साहन राशि है उसको आप मानदेय में कन्वर्ट कर दीजिए। और तीसरा है कि पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ का जो है नाम बदल दें, सहायक सचिवालय उसको किया जाए। यही 3 मांग है जिसमें सरकार लगभग जो है हमारी मांगों से, हमने कई बार अपने अपने मांगों को अलग अलग जगहों पर अलग अलग मंचों पर माननीय मुख्यमंत्री से उठाने का काम किया हम लोग। और उसमें जो है सरकार कह रही है कि आपकी मांग जो है बिल्कुल जायज़ है, लेकिन 3 साल हो गए, लेकिन 3 साल में सरकार के जो अधिकारी हैं, जो हमारे विभागीय मंत्री हैं, वो वार्ता करते हैं, लेकिन वार्ता करने के बाद रिजल्ट नहीं निकल पाता। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रोत्साहन राशि मिल रही है और कुछ लोग का कहना है कि प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है, सच्चाई क्या? प्रोत्साहन राशि मिलती है, वो उसके आधार पर डिपेंड करता है कि काम कैसे कहाँ पूरा हुआ है। जैसे कि रामगढ़ जिला में प्रोत्साहन राशि तुरंत मिल जाती है क्योंकि वहाँ पर काम जो है गति में दिखाया जाता है। वहाँ पर देश का अव्वल राज्य घोषित कर दिया गया है, जो प्रधानमंत्री आवास पूरा करने में, स्वच्छता अभियान में, सब चीज़ में उसको 1 नंबर घोषित कर दिया गया, सबसे पहले उसको ODF घोषित कर दिया गया। तो उसमें जो काम करने वाले लोग थे उनको किसी ने देखा नहीं, ये काम इतने तेज़ी से कर कौन रहा है, बल्कि अवार्ड लेने के लिए जो है DC महोदय पहुंच जाती हैं, विभागीय अधिकारी पहुंच जाते हैं, मंत्री पहुंच जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं, लेकिन ये सोचना होगा कि जिनको वो धरातल पर करने वाले लोग हैं उनके लिए हमने क्या किया। हम लोगों की यह रणनीति है कि हम लोग 20 से 25 तक सरकार को एक अल्टीमेटम दिए हैं रामगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री को कि आप हमारी मांगों से अगर आप सहमत हैं तो आप वार्ता कीजिए। ये जो आपका जो धरना है कब तक चलेगा? हमारा तो अनिश्चितकालीन है, अनिश्चितकालीन धरना आज से शुरू है। हम 25 तक अल्टीमेटम दिए हैं और आपको 2 तारीख को हम रिजल्ट दिखाएंगे। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन कर रहे स्वयंसेवकों को बैरिकेडिंग कर रोका गया था, लेकिन शाम को वो बैरिकेडिंग तोड़ जबरन CM आवास की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस पर भी पत्थर चलाया गया, प्रदर्शनकारी अचानक अनियंत्रित हो गए, उन्हें रोकने के लिए पुलिस को लाठी चलानी पड़ी। रांची से आशुतोष सिन्हा, पंजाब केसरी TV।